अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सिस फ्यूचर पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हमने अपने चैनल पर इससे पहले एक जूम का सेशन भी अपलोड किया था एक्सिस फ्यूचर और स्मार्ट स्किल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ हमने फिर क्वेश्चन आंसर के सेशंस भी अरेंज किए थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ईमेल का एक सिलसिला, फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर लोगों की चैट्स मैसेजेस आ रहे थे मुसलसल कि हमें आईटी सॉफ्टवेयर के हवाले से टूल्स बताएं या हमें वो चीजें बताएं जो कि जर्मनी में या ओवरऑल पूरी दुनिया में इन डिमांड है, जिसको लेकर हम लोग अच्छी अर्निंग कर सकें स्पेशली जर्मनी के हवाले से। तो हम लोग तलाश में थे कि हमें कोई रेलिवेंट बंदा मिल जाए जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सके। तो इस सिलसिले में आज मेरे साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त आफाक मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आफाक को सलाम अलैकुम और खुश आमदीद कहूंगा इस सेशन में। शुक्रिया आफाक कि आप, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं बगैर वक्त जाए किए क्विकली आपसे कहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, फिर हम यहाँ से आगे फ्लो शुरू करते हैं। जी तायर भाई, बहुत शुक्रिया। पहले इंट्रो के साथ स्टार्ट करता हूँ। मैं एट द एंड ऑफ 2019 मैं इधर आया था ठीक है मास्टर के, अपना मास्टर करने जी इन्फॉर्मेटिक में। मैं टीयू क्लाउसल में एज अ स्टूडेंट आया था यहाँ पे दिसंबर 2019 में। ठीक फिर है जब मैं आया तो आफ्टर 1 मंथ कोरोना आ गया। फिर सो बैड सब टाइम बस फिर सब अंदर लॉकडाउन हो गए। मैं सब चले गए क्वारंटीन में। उसके बाद फिर मैं जो है ना जॉब करने के लिए चला गया। मेरी श्वार्ज आईटी में प्रोफेशनल जॉब हो गई थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है फिर मैं अपना मास्टर मैंने अपना पार्ट टाइम करवा लिया था अच्छा फुल टाइम को। फिर उसके बाद श्वार्ज आईटी में काम करने के बाद फिर मैं एक स्टूडेंट जॉब पे आ गया था। ठीक है फिर स्टूडेंट जॉब पे मैंने कंटिन्यू किया, वो भी मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपर की थी। ठीक है उसके बाद फिर अब मैं एक और सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरी फुल टाइम जॉब हुई है, अल्लाह का शुक्र है। तो माशाल्लाह अब मैं वहाँ पे 1 अप्रैल से मैं दोबारा स्टेटस ब्लू कार्ड पर आ रहा बहुत अच्छी हूँ। बात है साहब, सबसे पहले मुबारकबाद आपको। आप ये बताएं कि बहुत आप इससे पहले शुक्रिया। कराची से हैं गालबन, आप वहां भी जॉब करते रहे कुछ अर्से, और आप किन किन जी टेक्नोलॉजीज में और किन मतलब किन टूल्स पे नॉर्मली या किस फील्ड में आप काम करते हैं सॉफ्टवेयर में? या मैं कराची से हूँ। मैंने अपना बैचलर कंप्यूटर साइंस के अंदर किया था इकरा यूनिवर्सिटी से। फिर मैं उसके बाद मैंने वहाँ पे 2.5 साल मैंने एक अब एक नहीं बल्कि 2 से 3 आईटी कंपनीज के साथ मैंने जॉब की है। ठीक है मैंने स्टार्टअप्स के साथ भी जॉब की है वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर भी जॉब की है। फिर उसके बाद फिर स्टार्ट से यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हम हमारे कुछ सीनियर्स थे ठीक है जर्मनी में, उन्होंने आइडिया दिया कि इधर आओ। ये एक एट दैट टाइम जर्मनी वॉज कंसिडर्ड एज एन आई टी हब नो डाउट इन इन पाकिस्तान, और अभी भी जर्मनी के अंदर आईटीज की मैं देखता हूँ कि आईटी की बहुत बहुत जॉब्स हैं। जो कहते हैं कि जॉब्स, इसके ऊपर बात करेंगे कि जॉब, क्योंकि मैं यहाँ पर मोस्टली वो लोग आएंगे मोस्टली मोस्टली जो 90% जो ये कहेंगे कि यार जॉब नहीं होती है, जॉब कैसे होती है, बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, कोई ठीक इतना है वो नहीं है उस पर। तो बस फिर उसके बाद फिर मैं मेरा उसके जिस टेक्नोलॉजी पे मैंने काम करा, मैं स्टार्ट से माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का फैन रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके अच्छा और मेरा टेक्नोलॉजी स्टैक भी वही है। मैंने स्टार्ट किया था विनफॉर्म फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन से। फिर मैं वेब की तरफ आया। फिर उसके अंदर डिफरेंट वे में मैंने काम करा, एमवीसी पे किया, बैकएंड पे भी किया, टेक्नोलॉजी पे। अब मैं .NET कोर पे कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट jQuery पे काम किया। अब मैं एंगुलर पे काम कर रहा हूँ। तो आई एम कंसिडर्ड माई सेल्फ एज अ फुल स्टैक डेवलपर। मैं उस एरिया में भी काम करता हूँ, उस पर बैकएंड पे भी काम करता हूँ और फ्रंट एंड पे भी काम करता हूँ। तो हाँ, तो इस तरह से जो है ना, अब फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी के और आगे हम डिस्कस करेंगे ठीक इसको है और भी। बिल्कुल आफाक, सवालात बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि आप डॉट नेट पे मेनली या सी शार्प के ऊपर काम करते हैं, फ्रंट एंड पे भी काम कर चुके हैं, आपने जिक्र किया कि बिल्कुल जर्मनी में जॉब्स हैं, और अगला सवाल भी जो लोगों ने बहुत ज्यादा पूछा हुआ है कि स्कोप क्या है वेब डेवलपमेंट का जर्मनी में, जॉब्स हैं। मुझे जितना आपका पता है, आपने बगैर जर्मन लैंग्वेज के कोरोना टाइम के अंदर
और तीसरा ये कि आपने विद इन 1 to 2 months आप या 3 months में आपने आने के बाद जब आप सेटल डाउन हुए आपने जॉब ढूंढ ली, तो इस हिसाब से वेब डेवलपमेंट का जर्मनी में आप माशाल्लाह दूसरी जॉब पे ज्वाइन करने जा रहे हैं इस कोरोना टाइम के दौरान ही, तो आफाक क्या स्कोप है वेब डेवलपमेंट का या आईटी की फील्ड का जनरल जर्मनी में? देखें मैं बिल्कुल जनरल बात करूंगा क्योंकि हमारे जो व्यूअर हैं मोस्टली वो हैं जो बिल्कुल बेसिक, जो एक तो हमारे पास वो भी बहुत माशाल्लाह मैंने कंपनीज में देखा है हमारे पाकिस्तानी लड़के बहुत अच्छे मैनेजमेंट के लेवल पे भी हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो मोस्टली जो व्यूअर आएंगे व्यूअर्स वो ये बिल्कुल बेसिक से आएंगे। तो बेसिक देखें यहाँ पर जॉब्स हर फील्ड की है, हर फील्ड की जॉब है, आप किसी फील्ड को उठा के देख लें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसका स्कोप नहीं है। हाँ अगर आप पाकिस्तान के अंदर होते आप फिर कहते कि यार मैं किस फील्ड की तरफ जाऊं जिसकी जॉब्स हों लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए जा रहा हूँ कि यार उसकी जॉब्स यहाँ पर हैं। जैसे हमारे यहाँ एम्बेडेड हो गया सिस्टम्स हार्डवेयर की, वहां पर पाकिस्तान में इतनी जॉब्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं मुझे इसमें इंटरेस्ट है लेकिन इसकी जॉब्स नहीं है। हर एक फील्ड की जॉब्स है, आपने देखना है कि यार आप किसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इन द बिगनिंग क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार मैं ये कर लूं। मैं जनरल बात कर रहा हूं कि हर इंसान जब स्टार्ट करता है एक्सेप्शनल केस ऐसा होता है कि यार वो गॉड गिफ्टेड होता है वो हर चीज को फौरन से पिक करता है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं अपने आप को रखे कि यार मैं स्टार्ट के अंदर जब मैंने अपना करियर का आगाज किया था मैं उस टाइम पे ये नहीं सोच रहा था कि मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे भी काम कर लूंगा, मैं फुल स्टैक एप्लीकेशन पे काम कर लूंगा, फ्रंट एंड बैक एंड, और मैं एज्योर में क्लाउड के ऊपर भी काम कर लूंगा और मैं जो है ना एक टॉप चीज बन जाऊंगा। नहीं, आपको स्टार्ट के अंदर देखना पड़ता है कि यार आप किसके अंदर जो है ना किस, पहले तो आपने ये देखना है कि यार मार्केट सही है उसकी है मार्केट है, फिर आपका पहले आप अपना देखें इंटरेस्ट, यार मेरा फॉर इंस्टेंस मेरा जो है ना वेब डेवलपमेंट में मेरा बहुत अच्छा वो है, मुझे वो अच्छी लगती है कि हम किसी बिजनेस को ऑटोमेट करते हैं तो मुझे इसके अंदर काम करना है, फिर आप देखते हो कि ठीक है यार अब इसके अंदर भी देखें टूल्स, और मैं फिर वही बात करूंगा कि आप किसी एक को सिलेक्ट कर लें, आप सब एक साथ नहीं कर सकते। आपने देखा यार अब वेब के लिए मुझे एक वेब का जो पूरा एरिया है ये बैक एंड फ्रंट एंड इसके ऊपर वो अफाक यही मेरा आप कंसिस्ट करता है, मेरा इसी को आप कंटिन्यू करें, मेरा यहीं पे क्विक सवाल आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा कि हमारे सुनने वालों को बता दें कि फ्रंट कैसे क्या होता है और बैक एंड क्या होता है बिल्कुल, और क्या टूल्स हल्का एक ओवरव्यू दे दें क्योंकि आप इसी बात को कंटिन्यू कर रहे थे, अगला सवाल भी इसी हवाले से, तो काइंडली कैरी ऑन। ठीक है चलें, देखें आप एक वेब एप्लीकेशन जब आप बनाते हैं तो हम इसको क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर भी कहते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं और हमारे पास वो सर्वर होता है। इसके अंदर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम किस पे इंस्टॉल करते थे, जब आप देखेंगे कोई विनफॉर्म एप्लीकेशन होती है, आप कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर डेस्कटॉप में आपके जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर इंस्टॉल होती है, लेकिन आपकी जो वेब एप्लीकेशन है वो सर्वर पे इंस्टॉल होती है, चाहे आप उसके लिए ओपन करते बिल्कुल चाहे आप उसके लिए IIS इस्तेमाल करें जो कि माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है IIS सर्वर, चाहे उसके लिए आप अपाची को इस्तेमाल करें, आप वो आपकी वेब एप्लीकेशन हो गई जो उसके ऊपर इंस्टॉल है। अब उसको एक्सेस कौन कौन करेगा, आपने वो होता है आपका क्लाइंट आप सिंपल वर्ड में समझ लें आपका होता है HTML जो समझता है ब्राउजर, ब्राउजर में आप जब भी कुछ लिखते हैं www.google.com वो हिट होती है उस पे उनके सर्वर पे, वो फिर आपको रिजल्ट लाके क्लाइंट को देता है। अब क्लाइंट एंड का जो डेवलपर होता है वो भी अलग होता है, फिर जो बैक एंड डेवलपर होता है वो भी अलग वो जो है ना अलग अलग होता है, फिर जो दोनों टेक्नोलॉजी को जानता है उसको हम फुल स्टैक कहते हैं कि वो बैक एंड को भी जानता है और वो आपने अगर जैसे समझ लें बैक एंड डेवलपर बनना है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको बेसिक से आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे
काम करती है, क्लासेस क्या होती हैं, उनके बीच में एसोसिएशन क्या होती है, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन क्या होता है, आपके ये स्ट्रांग होने चाहिए, ऊप के कॉन्सेप्ट, डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये क्या होते हैं, फिर आपको बैक एंड के हवाले से ये भी पता होना चाहिए, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो ठीक है, हमारे पास है, एरेज हैं, लिस्ट हैं, और हमारे पास मैप्स होते हैं उसके अंदर, मल्टी लिस्ट वगैरह होते हैं सब कुछ। डिक्शनरी हैं, ये आपको ये सब इसका जो है ना आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा फिर आपको आपके पास बैकएंड में ये स्किल्स भी होने चाहिए कि आप आपने एक एपीआई बनाई है, आपने उसके अंदर एपीआई कैसे बनेगी, रेस्ट एपीआई क्या होती है, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन ठीक है, क्या होती है, एक बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या होती है, एक टोकन बेस जेसन वेब टोकन बेस ऑथेंटिक वो होती है ऑथेंटिकेशन, वो फिर क्या होती है, और फिर आपको उसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि अंडरलाइंग डेटाबेस आपका कैसे वो काम मुझे करता है, डेटाबेस क्योंकि में ये मिलता है। बिल्कुल MS SQL आप उसके लिए चाहे रिलेशनल डेटाबेस इस्तेमाल करें या आप उसके लिए डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस इस्तेमाल करें, जैसे हमारे पास MongoDB है, और रिलेशनल में आप Oracle SQL या आप कोई भी MySQL इस्तेमाल करें, तो ठीक आपको उसका भी आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा फिर अगर आप डेटाबेस से, क्योंकि मेन चीज तो हमारा हम जो क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट करता है डेटा की, बैकएंड डेवलपर डेटा डेटाबेस से फेच करके आ रहा होता करेंगे। है लेके, तो आपको उसके अंदर जो बीच की कम्युनिकेशन होती है आपको उसके उसका उसका जो है ना पता होना चाहिए कि आप ADO, कुछ लोग उस ADO.NET जो के प्रीवियसली माइक्रोसॉफ्ट क्लासेस दे रहा था डेटाबेस कनेक्टिविटी की, आपको आपको उसका आइडिया होना चाहिए। आप लेकिन आजकल आप ORMs आ गए हैं, आपको ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क एंड हाइबरनेट, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ये एक कंप्लीट पैकेज आपको बैकएंड डेवलपर बनाता है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रंट एंड पे। अब बैकएंड के अंदर यूनिट टेस्टिंग भी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी है, टेस्ट ड्रिवन है, अगर आपने टेस्टर भी इसके अंदर फिट आ गया। ठीक है, बैकएंड बिल्कुल आपने अगर आप, क्योंकि मोस्टली कंपनीज कहती हैं कि यार आगे जाके हमारा जब प्रोजेक्ट वो करता है ग्रो करता है फिर वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो अब वो मोस्टली कंपनीज जो है ना टेस्ट ड्रिवन एप्लीकेशन पे वो करती ठीक है, हैं, बिलीव करती हैं, तो अब वो आपको एक पूरा एक पैकेज आपको बैकएंड डेवलपर का बनाता है। ठीक है, ओके। अब सिर्फ अब सिर्फ ये नहीं है, लेकिन आपको अब वर्जनिंग कंट्रोल भी, आपको उसके टूल्स भी पता होने ऐसे चाहिए भी गिटहब के, और आपको अपनी एप्लीकेशन एज्योर पे उसके ऊपर भी आगे करते हम बात करते हैं। हैं बात। अब फ्रंट एंड जो होता है फिर वो आप अगेन वो आपको HTML CSS का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, लेकिन अब मोस्टली कंपनीज की रिक्वायरमेंट हो गई है कि पहले JavaScript jQuery आपको आती है, आपको फ्रेमवर्क, अब वो कहते हैं कि हमें फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट आ गया, रिएक्ट ने बहुत रिएक्ट की बहुत बड़ी फ्रंट मार्केट एंड है, को बहुत इवॉल्व किया है, उसने एंगुलर आ गया, एंगुलर। एंगुलर ने किया, मैं खुद एंगुलर पे काम करता हूँ, तो आपको ये टेक्नोलॉजी आनी आनी चाहिए, यह आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनाती है। ठीक है, और अगर आपको मैं मेरा एक छोटा सा एक वो था कि जब आप बिगनर होते हैं ना तो अब आप हर चीज नहीं सीख सकते, फिर ठीक आप अगर आप कहते हैं कि यार मैंने बैकएंड पे आना है, फ्रंट एंड आपको थोड़े टाइम बाद खुद आ जाएगी। अब मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूं, मैं 2018 के अंदर एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा था .NET पे, डॉट MVC पे, हम लोग MVC पे डिजाइन पैटर्न पे काम कर रहा था मैं, तो उसी वक्त एक हमारे रिक्वायरमेंट आई थी, एक फंक्शन जो है ना एक बनाना था, लेकिन उसका जो हमने जो जो एनालिसिस की है उसके अंदर, तो उसके अंदर ये था कि वो जावा पे बेहतर बन सकती थी, तो ठीक है, मेरे जो टीम लीड थे उन्होंने कहा कि ठीक है हमें अब ये जो है ना जावा पे बनानी है, तो लेकिन मैंने कभी जावा पे काम नहीं किया, ये मैं उनको जो है ना बता रहा हूँ जो स्टार्ट के अंदर आते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि बिल्कुल यार मैं ये भी कर लूँ ये भी बिल्कुल कर लूँ, आप एक चीज से स्टार्ट लो। अब मुझे उस टाइम पे जावा नहीं आती थी, लेकिन मुझे REST API का पता था, मुझे ठीक है, HTTP works का मुझे आइडिया था, मुझे टोकन्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन का मुझे मुझे आइडिया था, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट्स उसको आपको पता जावा होंगे। कॉन्सेप्ट थे और जावा पे उसको मैंने इजीली इंप्लीमेंट कर लिया 2 से 3 दिन में, बस आपको सिंटेक्स आपको जो है ना देखना होता है कि जावा बिल्कुल का क्या क्या सिंटेक्स है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वही ऑब्जेक्ट, तो आपको अगर एक टेक्नोलॉजी आ गई है आपका 1 साल मैक्सिमम 2 साल काम करने के बाद आपका दिमाग खुलेगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि यार अगर मैं इस पे काम कर सकता हूँ यही चीज इधर भी ठीक है, इम्प्लीमेंट हो सकती है, यही चीज बिल्कुल
पाइथन पे भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, चीज तो एक ही है, एपीआई तो एक ही है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल एक ही है, तो स्टार्ट के अंदर आप कंफ्यूज ना होगे यार ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। तो आप अब ऐसे ही मैंने जेमरिन पे मैंने काम ऐप करा डेवलप था, लेकिन मैंने स्टार्ट के अंदर ही नहीं कर लिया, पहले मैंने 1 साल फॉर्म्स पे मैंने काम करा, फिर 1 साल मैंने वेब पे ही, फिर उसके बाद मैं उस पे आया फ्रंट एंड पर मैंने काम किया। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और आप जब आप काम स्टार्ट करते हैं फिर चीजें आपके सामने बिल्कुल खुलती रहती हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे चलता है सिलसिला। बिल्कुल ठीक है। अब अफाक, अगले सवाल पे जाने से पहले मैं कुछ समराइज कर दूं अपने सुनने वालों के लिए। इसी चैनल पर मैंने एक वेब डेवलपमेंट की वीडियो भी अपलोड की हुई है कि फ्रंट एंड पर जिस तरह अफाक ने जिक्र किया, जो आपको सिर्फ आपने गूगल खोला तो आपको जो फ्रंट पे नजर आ रहा है वो कहलाता है फ्रंट एंड। अफाक ने जिक्र किया उसके लिए आपको HTML, CSS और आजकल जावास्क्रिप्ट के साथ साथ कुछ फ्रेमवर्क है जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है या व्यू आना चाहिए। और बैक एंड क्या होता है कि आपका जहाँ डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है, आपने गूगल पे कुछ भी लिखा, वो सर्च करके उसने आपके सामने वो रिजल्ट दिया, वो डेटाबेस से लेके आया, तो उसके लिए अफाक ने जिक्र किया कि आपको बैकएंड का कुछ आना चाहिए। अफाक .NET पे यानी सी शार्प पे काम करते हैं। इसके अलावा जावा का जिक्र किया, बैकएंड के लिए जावा का भी एक गार्डन फ्रेमवर्क स्प्रिंग कूड यूज होता है, उसके साथ साथ फिर पाइथन है हमारे पास, PHP एक बड़ी मशहूर लैंग्वेज है बैकएंड के लिए। अफाक बहुत शुक्रिया। एक और सवाल, शायद सबसे ज्यादा टाइम ये सवाल लेगा अफाक। अक्सर लोग जो है हमसे पूछते हैं कि हम लोग चले कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि जिस तरह आपने जिक्र तो काफी कर दिया कि हमें क्या कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, हम क्या सीखें, क्या मैं पाइथन सीख लूं, क्या मैं C++ सीख लूं, क्या मैं वेब डेवलपर बन जाऊं, वेब डेवलपर बन जाऊं, टेस्टर बन जाऊं, तो फिर आप क्या डिफरेंट डोमेन्स हैं IT वालों के लिए, क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको नजर आती हैं, अगर आप हमें इसके ऊपर कुछ बता सकें। चीजें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे वेब है, डेस्कटॉप ऐप पर लोग सवाल करते हैं ऐप डेवलपमेंट में, फिर कहते हैं UX UI एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो अब आप कैसे ये सब मैनेज करेगा एक स्टूडेंट, आपकी नजर में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? देखें, अगेन आपके जो थ्योरेटिकल आपका जो थ्योरी की जो एजुकेशन होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है, जो मैंने देखा है प्रैक्टिकल स्किल से जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। अब एक एक पहले ये होता था कि यार आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आप ये आप जो है ना आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको ये हो जाएगा आप, लेकिन ये जो फील्ड है ना कंप्यूटर की ये बिल्कुल अलग है। इसके अंदर क्रिएटिविटी आपका क्रिएटिव, आप ये नहीं है जरूरी कि आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो आप कंप्यूटर नहीं कर सकते, आप ये आप इस फील्ड में नहीं आ सकते, या आप फिजिक्स आपकी इसके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं। अब क्या होता है हमारे पास जो स्टूडेंट कंफ्यूज कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं किसके अंदर जाऊं। अब सबसे बिल्कुल पहले तो अगेन फिर मैं वो यही कहूंगा कि यार आप अपना इंटरेस्ट देखें। अब कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होता कि यार मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है, जी फिर आपने सिंपल ये भाई आप कर लें कि यार आप जॉब मार्केट देख लें और आप अपने हिसाब से देख लें कि यार मैं आप अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार मैं कोडर नहीं हूँ, मैं बॉर्न कोडर, मैं मतलब मैं लॉजिक नहीं लिख पाता, लेकिन मैं जो है ठीक ना डिजाइनिंग में मैं जो है ना अच्छा हूँ, मुझे समझ में आता है कि मैं एक जो है ना डिजाइन क्रिएटिव डिजाइन एक मैं आइडिया बना सकता हूँ, और मैं जो है ना ऐसे मैं अपना टेबल शो करवा सकता हूँ, और मैं ऐसे हेडर ये ऐसे फुटर। तो वो सिंपल ये है कि वो जो है ना फ्रंट एंड को एक्सप्लोर करें और वो उसके अंदर चला जाएं। फिर कुछ यूजर कहते हैं कि एक्सपीरियंस, यार यूजर इंटरफेस में यूजर जाना, एक्सपीरियंस यूजर, हाँ बिल्कुल उसके अंदर वो ये एक नहीं डोमेन आप आपने फ्रंट बताया। एंड के अंदर चला जाएं, जो कहता है कि यार मैं ना लॉजिक नहीं लिख पाता या मुझे ये समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा जो है ना HTML CSS इसके अंदर जो है ना मेरा डिजाइनिंग में मेरा बहुत अच्छा है, और मेरी और मैं जो है ना कोई भी फ्रेमवर्क एंगुलर को सीख के या रिएक्ट को सीख के मैं एक अच्छा डिजाइन्स में एक अच्छा जो है ना यूजर फ्रेंडली मैं क्रिएट कर लूंगा। तो आप उसके उसके अंदर अपनी मार्केट आप देखें ठीक है, और उस हिसाब से आपको जो है ना थोड़ी देखें मेहनत तो करनी होगी ये आपने एक डोमेन बता दी, ठीक है आप, ये मसला हल हो गया। डोमेन। अगर आप अब ग्राफिक्स में अच्छे हैं, डिजाइनिंग में अच्छे हैं, तो UX UI साइड पे या बिल्कुल बिल्कुल, अब कोई कहता है कि यार मुझे जावास्क्रिप्ट भी नहीं करनी, मुझे लिखना मुझे कोड मुझे स्क्रिप्टिंग बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं करना अच्छी ही नहीं है, बिल्कुल लगती, मुझे नहीं पढ़ना, तो मैं उसको मतलब वो फिर कहता है कि यार लेकिन मैं जैसे उसका मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा हूँ, मैं जो है ना जैसे उसके लिए टूल हो गया, मैं अडोब इलस्ट्रेटर में बहुत अच्छा जानता हूँ, एडोबी और वो मुझे मतलब अट्रैक्ट करता है, वो बहुत ईजी है और मैं बहुत कम टाइम में
बहुत अच्छा उसको सीख लूंगा। तो मैं कह रहा हूँ आप टाइम जाया किए बगैर आप उस तरफ आ जाए, आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन मेक श्योर ये हमें करना होगा कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं आप उस फील्ड के माहिर हों फिर, क्योंकि ये आगे फिर आपको, क्योंकि ये आपके लिए फिर ये फ्यूचर की तरफ आप जा रहे होते हो, आपका ये आगे जो है ना बहुत मैटर करता है। और दूसरा ये है कि आप कहते हो कि यार मैं एक जो है ना टेस्टर, मैं क्यूए जो है क्वालिटी ना एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल। एसक्यूएम की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। तो एसक्यूए का मेरा, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा खुद एक दोस्त है जो एसक्यूए जो आजकल बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ये मैं रिक्रूटर के ही अल्फाज जो है ना बता रहा हूँ, जो कि अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, आपकी दो फील्ड ऐसी हैं इसका मैं कह सकता हूँ, एक एसक्यूए, आपको एक एसक्यूए और एक एज्योर, आप कह लें डेवऑप्स इंजीनियर, इसके लिए आपके पास, अगर आप चलें, अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इतना मैटर नहीं करता, आप स्किल्स पे भी आप जो है ना, लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेशन बहुत मैटर करती है। डेवऑप्स की एक है जैसे एज्योर की AZ 900 या AZ 400, फंडामेंटल उसके हैं, उसके ये एग्जाम्स के नेम है। आप ये, आपके पास अगर ये सर्टिफिकेशन है या आपके पास एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेशन है तो ये आपको कंसीडर जरूर करेंगे। और एसक्यूए की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप एसक्यूए की तरफ अगर आप जा रहे हैं, सिर्फ आप एसक्यूए सीखे नहीं, उसकी आपने सर्टिफिकेशन भी करनी है अपने आप को आपने, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कंपटीशन बहुत है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी कौमें हैं जो कि उन आप अगर आपको उनमें उनमें अगर आपको आगे आना है और आपको मतलब जो रिक्रूटर होते हैं उनको उनको आपको अट्रैक्ट करना है, तो आपको जरूर अपने आप को जो है थोड़ा यूनिक करना होगा, आपको कोई सर्टिफिकेशन ऐसी आपको करनी होगी जो आपको हेल्प करें आपके जॉब गेट करने में, जॉब ढूंढने में आपको। अच्छा, इसके साथ एक और है, वो आपने वेब डेवलपमेंट का ही बता दिया, ग्राफिक डिजाइनिंग का बता दिया, यूएक्स का। अब एक कहता है कि मुझे ऐप डेवलपमेंट में शौक है, तो फिर वो उसके लिए कुछ सजेशन दे दें। बिल्कुल, अगर आपको ऐप ऐप के अंदर शौक है, ऐप डेवलपमेंट में, तो आप आजकल बहुत सारी है, मैंने स्टार्ट जो किया था, मैंने जब किया था तो मेरे पास ऑप्शन था सेमरेन, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी काम कर रहा था, मैं सी शार्प जानता था, तो और अब उसका ये भी था अच्छा, मैंने जब काम किया सेमरेन फॉर्म्स पे, कि आप कोड जो है ना एक उस पर करते हैं प्लेटफॉर्म पे और आप उसको डिप्लॉय आप iOS पे भी कर और सकते हैं एंड्रॉइड और फिर आपको एंड्रॉयड पे भी और विंडोज फोन पे भी। तो अब तो फ्लटर आ गई, डार्ट फ्लटर, पे डॉट आप वो अगर आपको नेटिव एंड्रॉयड जो के जावा पे ही है अभी तक, आप वो सीख सकते हैं, या आपको हाइब्रिड एप्लीकेशन के आयोनिक है वो एक टेक्नोलॉजी है, फ्लटर मैं रेकमेंड करूंगा क्योंकि वो बहुत उसके अंदर मतलब बहुत जबरदस्त है, वो आप उसको देखें, उसके अंदर जो एक्सपोज उसको एक्सपोज करें, एक्सप्लोजर उसका लें आप, ठीक है। तो इसके लिए भी मतलब बहुत डिपेंड करता है अगेन आप किस तरफ जाना बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि सेमरिन भी आपको आता हो और आपको आयोनिक भी आता हो और आपको फ्लटर भी आता हो बहुत, लेकिन आपने कोई एक एक आप पिक कर लें और उसके अंदर आप माहिर हो जाए, दैट्स ठीक है। इट। अच्छा अफाक, मेरे पास कुछ और सवालात हैं, कुछ लोगों ने कुछ सवाल लिखे थे। वो कहते हैं कि मुझे पाइथन अच्छी आती है, तो मेरे लिए क्या पॉसिबल, मतलब कुछ केसेस हैं, कुछ मैं आपके कुछ सवाल है एक दो करूंगा। पाइथन अच्छी आती है, तो अब पाइथन में मेरे पास क्या स्कोप है आईटी की वर्ल्ड में, जर्मनी में स्पेशली, पाइथन के हवाले से बता दें कुछ। वेब देखें डेवलपमेंट भी इसका है क्या, और क्या क्या जगहों पर वेब पाइथन। डेवलपमेंट के अंदर भी है, वेब डेवलप इस उसके अंदर भी है, लेकिन मोस्टली जर्मनी के अंदर जो मैंने देखा है, जो उसके यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैंने देखा, पाइथन जो है ना बहुत इस्तेमाल हो रही है बिग डेटा बिग के डेटा लिए, जो हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारे हम पाइथन पे उसके, क्योंकि पाइथन इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू राइट है, तो उसके अंदर हम जो है ना बहुत अभी हमारे जो शॉर्ट आईटी के अंदर प्रीवियस कंपनी में एक डेवलपर थे, उन्होंने एक टूल बनाया था जो कि लॉग्स हमारे पास आ रहे होते हैं कि यार ये जो प्रॉब्लम आई है इस जो है ना सिस्टम के अंदर, ये इस
डिपार्टमेंट के लिए इसको देनी है, ये वाली प्रॉब्लम्स इस डिपार्टमेंट की है, तो पहले ये सारा काम मैनुअल हो रहा होता था। तो फिर उन्होंने एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पाइथन पे लिखा, तो अब वो पूरा सिस्टम ऑटोमेट हो गया। अब जो भी लॉग्स वाह आते हैं जो भी, तो वो उसके रिलेवेंट डिपार्टमेंट में उसको खुद असाइन असाइन हो जाता है, हमें अब मैनुअल नहीं करना पड़ता। तो पाइथन जो है ना, आपको पता है डेटा इज एवरीथिंग, रॉ हमारे पास रॉ डेटा होता है, उसको हम जो है ना उसके ऊपर एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं, उसकी सॉर्टिंग करते हैं, और उसको जो है ना इन्फॉर्म एक जो आपके डेटा सॉर्टिंग के बाद इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है आप उसको जो है ना एंड 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 यूजर को, उसके उसी से मतलब है। तो ये उसके अगर मैं कहूँ, अगर क्योंकि डेटा साइंस वाले आपने देखा होगा मोस्टली पाइथन वगैरह का पाइथन यूज यूज पाइथन ही कर रहे करने होते होते हैं। हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है कि जो है ना मैंने बिग डेटा पे काम करना है, कैसे काम होता है, तो वो ये है कि पाइथन पे जो है ठीक ना है जाएं, उसको जिसको एल्गोरिथम की एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम और डिजाइन एनी एल्गोरिथम, किसी को अगर इंटरेस्ट है तो उस तरफ जबरदस्त। चलो इफाक पाइथन आपने को। पाइथन का बता दिया, बहुत सारे के बैकएंड पे भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बिग डाटा और डाटा एनालिसिस के लिए तो ऑब्वियसली इस्तेमाल बिल्कुल होता है, फिर ऑटोमाइजेशन ऑटोमेट बिल्कुल करने के लिए चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। एक और सवाल था कि मुझे सी और सी प्लस प्लस अच्छी आती है, तो अब मेरा क्या स्कोप है इन फील्ड्स के अंदर? जैसे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मतलब एम्बेडेड साइड पे तो है, अब ये बाकी एग्जैक्टली 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 ये मैं आपसे यही अभी कहने वाला था कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, और सी प्लस प्लस आप उससे अच्छा जानते हैं, आप भी जो है ना लोगों को गाइड करें कि सी सी प्लस प्लस अब एम्बेडेड। मैं सी और सी प्लस प्लस के हवाले से ये बता दूं कि क्योंकि मैं तो मशीन लेवल के ऊपर माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करता हूं, तो बिल्कुल वो मुझे उसका अंदाजा है जिस तरह आपने जिक्र किया एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर, तो सी और सी प्लस प्लस की एक वो डोमेन है। लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने स्कूल अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में सी पढ़ी होती है बेसिक, ठीक है, स्ट्रक्चर उनको आता है, उनको फंक्शंस का पता है, लूप्स का पता है। अब वो चाहते हैं कि वो आईटी की वर्ल्ड के अंदर फिक्स हो जाए, तो अफाक उनके लिए क्या ऊप के कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं बिल्कुल जी? बिल्कुल उसके लिए यही है कि अगर आपके लोल, क्योंकि सी ज्यादातर हमारे पास यूज होती है लोल बिल्कुल लेवल मशीन प्रोग्रामिंग के लर्निंग लिए, है अगर आपके बिल्कुल बिल्कुल अगर आपके अगर आपको सी में बहुत अच्छी आती है सी, तो मैं कहूँगा कि बेहतरीन है कि वो जो आपकी फील्ड है एम्बेडेड की, जो हार्डवेयर से इन इंटेग्रेट बिल्कुल करते हैं बिल्कुल प्रोग्राम। क्योंकि अब क्या होता है, हम लोग करते हैं MIS पे, MIS एप्लीकेशन पे काम, या ERP पे हमने काम कर लिया, या कोई लॉजिस्टिक एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, तो हम उस पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे होते हैं, जैसे सी प्लस हो गई, पाइथन, जावा। लेकिन अगर आपने कोई कंट्रोलर या आपने कोई हार्डवेयर जहाँ पे आ जाता है, जब आपने उससे इंटेग्रेट, क्योंकि मोस्टली जर्मनी में मैंने देखा है कोई एप्लीकेशन यहाँ पे विदाउट हार्डवेयर नहीं नहीं बनती है है, यहाँ पे कंट्रोलर। आप तो उस फील्ड के हैं, आपको तो बहुत बेहतर पता होगा, जो इंटरफेसिंग मैं एंड में वेब से करवा दी जाती है, एग्जैक्ट लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, जो के वेब से इंटेग्रेट, हम उसको फॉर फॉर द कम्युनिकेशन TCP/IP प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे पास, हम कम्युनिकेट जो करवाते हैं। लेकिन जो जिसको लो लेवल उसका शौक है, वो APIs बना सकता है उसके ऊपर, वो अपने जो है ना हार्डवेयर से बिल्कुल, जैसे आपकी फील्ड है Arduino कंट्रोलर भी आप लोग ऑर्डिनो हो इस्तेमाल गया, करते रेसबेरी पाई हो होगे, गया, बिल्कुल उसके ऊपर भी आप की कोई ना कोई मैं जरूर पॉडकास्ट करूंगा, आप अच्छा वो आपने जी। बिल्कुल बिल्कुल ये एक बिल्कुल बहुत डीप टॉपिक है इस पे जो है ना। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जिसका सी और सी प्लस प्लस में, क्योंकि जर्मनी में इसका बहुत स्कोप बहुत है, जो स्कोप है कि बिल्कुल बहुत स्कोप है, जो आपके जो कंट्रोलर्स हैं मोस्टली, जो ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कर लें जी इंडस्ट्री है, बिल्कुल, वो सारे सारी जैसे स्क्रीन पे ऑटोसार ECU है, ऑटोसार जो ECU बिल्कुल इश्यू बनाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली बैकएंड उसका सी और सी प्लस प्लस वही उसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बॉश है। और तो वो अगर उसमें, तो ये तो बहुत बेहतरीन फील्ड है। मैं तो और लेकिन ये एज कम्पेयर टू, मुझे ये टफ लगता है इसके ऊपर काम करना, अच्छा अब आगे एज इसमें कम्पेयर और टू भी हायर। एक और भी सिलसिला होता है। अब लोग जो है ना वो कहते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, अब जैसे सबका ये मसला होता है, लेकिन आपको पता है आजकल इतनी ओपन सोर्स हर चीज हो गई है कि आपको हर बात का सोल्यूशन स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर या गिटहब पे कोड की सूरत में मौजूद है। तो आप अगर एक, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट है उसने आफाक की वीडियो देखी और ये फैसला किया कि वो वेब डिवेलपर बनना चाहता है,
उसने ही फैसला कर लिया आफाक की वीडियो देखकर पहले दिन से ही कि मैं जो हूँ बैक एंड के ऊपर सी शार्प भी काम करूंगा डॉट नेट पे, और मैं फिर फ्रंट एंड पे एंगुलर में बात पे आऊंगा। तो आफाक वो डर रहा है उस बात से, खौफ ज्यादा है कि वो कितनी जल्दी चीजों को लर्न करेगा, उसके पास सोल्यूशन, उसको कोडिंग नहीं आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कोडिंग ये है कि प्रोग्रामिंग आप फौरन से लिखना शुरू कर दो, हालांकि मोस्टली उसमें आप पहले पेपर वर्क करते हैं, आइडिया क्रिएट करते हैं ना। तो फिर ये बता दें कि कितना टाइम लगेगा और क्या क्या लोगों को आप मोटिवेट कैसे करेंगे कि ओपन सोर्स कम्युनिटी प्रोग्रामिंग बिल्कुल देखें, प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं होती है, वो बात तो सही है कि आप जब तक इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे प्रोग्रामिंग से आपको डर लगेगा और वो आपको खाएगी भी। और कई कुछ कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिस पे पूरी पूरी रात काम करना पड़ता है, क्योंकि आइडियाज कभी नहीं भी आ रहे होते और कभी एकदम से आ जाते हैं। लेकिन स्टैक ओवरफ्लो जाहिर सी है बात कि वो नहीं, मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो जरूरी नहीं है कि आप स्टार्ट के अंदर से आपको हर चीज पता हो, आपको आपको एपीआईज का भी पता हूँ, आपको एमवीसी का भी पता हूँ, आपको .NET Core जो अभी रिसेंटली वो लेटेस्ट है आपको उसका भी पता हूँ कि वो कैसे काम कर रही है, और आपको जो है ना नहीं हर चीज टाइम के आती है साथ। लेकिन मैं आप बेसिक अगर आपको ऊप आती है, बेसिक आपको ये पता है कि क्लाइंट एंड क्या होता है, HTTP प्रोटोकॉल्स जो हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं HTTP प्रोटोकॉल्स क्या है और सर्वर क्या है, उसकी कोडिंग क्या है, उसके पीछे सर्वर पे क्या हो रहा है, अगर आपको ये सब मतलब बेसिक अगर आपको नॉलेज आती है तो आप स्टार्ट, बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लॉजिक्स होती हैं जो आप पीछे बैकएंड पे लिखते हैं, बस आपको जो है ना स्टार्ट के अंदर आपको हर्डल्स होगी आपको ये, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और मैं क्या करने जा रहा हूँ। आपको हर चीज स्टैक ओवरफ्लो पे आपको मिलेगी, लेकिन स्टार्ट के अंदर हमें डिफिकल्टी इसलिए होती है कि हमारा वो लेवल जनरेट नहीं हो रहा होता, क्रिएट नहीं हो रहा होता। लेकिन आपको स्टिक रहना है, आपको तकरीबन आफ्टर 1 ईयर आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो चीज जो है ना कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ जो है ना चीजों का पता होना चाहिए कि वो काम कैसे कर रही है, अब काम एग्जैक्टली हो कैसे रहा है उसमें आपको जो है ना स्टैक ओवरफ्लो बहुत हेल्प करेगा। और भी हैं माइक्रोसॉफ्ट की अपनी अपने वो हैं डॉक्स हैं, कम्युनिटीज हैं, क्योंकि हमें भी दिन गूगल इज एवरीथिंग। हम लोग इवन के जब हमें इंटरफेस भी इवन लिखना होता है, हमें छोटा सा एक मेथड ही क्यों ना लिखना हो जो कि एक लिस्ट रिटर्न कर रहा होता है, उसमें छोटी सी लॉजिक होती है टू जैक डेरे को हमने कैसे इनिशियलाइज करना है, तो हम वो भी गूगल से जो है ना देख के इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि जैक डेरे काम कैसे कॉन्सेप्ट या कर रहा है, कॉन्सेप्ट पता होता है वो काम कैसे कर रहा है, और हमें इस पे हमें अगर ये इम्प्लीमेंट करना है तो हमें इसमें क्या क्या इस कोड के अंदर जो हमने स्टैक ओवरफ्लो से उठाया है हमने इसके अंदर क्या क्या चेंज करनी होगी, ये आपको टाइम के साथ सब कुछ आ जाता है, वो कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, यानी जो लोग आमतौर पे सिंटैक्स से खौफ ज्यादा होते हैं, कहते वो समझते हैं कि प्रोग्रामिंग का मतलब सिंटैक्स, देखें प्रोग्रामिंग आपको आती है, मैं कहूंगा कि आप प्रैक्टिस 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 स्टार्ट के अंदर आपको बहुत करनी होगी, फिर उसके बाद आपको ना आप नहीं भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये इसका ये सिंटैक्स है, ये मुझे गूगल पे इधर से मैं ये लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगा, मुझे इंटरफेस चाहिए तो मैं ये लिखूंगा मुझे वो आपको समझ। लेकिन स्टार्ट के अंदर आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होती है, जो कि हमने भी की है। स्टार्ट का 1 साल 6 महीने जब स्टार्ट किया था तब बहुत आपको ना प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ही से आती है, ऐसे नहीं आती है प्रैक्टिस, फिर वो चीज आपकी सेकंड टू नेचर बन जाती है जब आप करते रहते हैं, तो आपको लगता है कि वो जब आप करते रहते हैं, जब जाहिर सी बात है आप एक ही चीज को प्रैक्टिस करते रहेंगे डिफरेंट वे से, फिर वो आपका फिर खुद आपको जो है ना टिप्स पे आ जाएगा कि यार अच्छा मुझे ये चाहिए, मैं आप फिर आप जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर आप खुद खुद उठा बनाते हैं। जैसे मोस्टली अब मैं खुद एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम कर रहा हूँ, आपको उसके अंदर जो है ना पता होता है कि मैंने APIs के बीच में कम्युनिकेशन करवानी है तो मुझे RabbitMQ चाहिए होगा, तो आपको फिर पता चल जाता है कि यार, लेकिन आपको ना फिर मतलब बेसिक से आपको अभी अभी आपको कुछ नहीं पता होगा कि यार ये मैं ये
टेक्सचर अनियन आर के टेक्सचर पे मुझे काम करना है, मैं उसको कैसे करूँ। तो आप ये प्रैक्टिस करें खुद जो है ना घर में, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करते रहें फिर एक टाइम आएगा आप, फिर आपके लिए ये इगाल होगा, फिर कोई ठीक है, मसला नहीं होगा। बेटर नहीं करेगा बस अफाक। फिर आखिरी कुछ कोई किसका रिप्लाई बेशक देते हैं या टाइम ले रहे हैं, इसका एक सवाल है क्लाउड का, अमेजोन वेब सर्विस का सुनते हैं, एज्योर का आपने जिक्र किया, तो क्या फ्यूचर देखते हैं? अगर कोई ख्वाहिश ये करता है, जैसे एक इंजीनियर है वो चाह रहा है वो क्लाउड सर्विसेज के ऊपर चला जाए, तो उसको क्या चीजें, क्योंकि आजकल बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्सेप्ट है क्लाउड सर्विसेज का या डेव ऑप्स का। अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है मेरी तरह या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और उसका इरादा बन रहा है, उसने अफाक से सुना या किसी से सुना कि क्लाउड का आगे फ्यूचर है, तो वो AWS अमेजोन वेब सर्विसेज या एज्यूर की तरफ जाना चाहता है, तो उसको क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या उसको नॉलेज जरूरी है उसके लिए, इसके ऊपर क्राइम थोड़ी रोशनी डाल दिएगा। देखें अगेन अगेन, अगर क्लाउड एक बिल्कुल ही फिर डिफरेंट, एक पूरा वो एक अलग ही वो है, डोमेन है ठीक उसका, वो है एक अलग उसके उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी आपको अगर स्टार्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं फॉर इंस्टेंस, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एज्योर का जो है ना बता देता हूँ, आसान सी उसका जो कुछ समझा दें। बिल्कुल क्योंकि मैं खुद उस पे एज्योर पे ही करता हूँ। आपको जो है ना बींग अ डेवलपर, आपको क्या पता होना चाहिए, और फिर अगर आपने उसके अंदर अपना, आप डेवलपर नहीं है, आपने सिर्फ अपना अपना करियर ही एज्योर को, आपने क्लाउड बिल्कुल को बनाना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए। आपको सिंपल एज्योर की मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जो है ना बताता हूँ कि क्लाउड पे हम क्यों आए। आप पहले, अगर आप क्लाउड जब न्यू आया था तो उससे पहले लोग क्या क्या करते थे, अपनी एप्लीकेशन उनकी होती थी जो कि एक इन एनवायरमेंट में चल रही है, कंपनी की एक ERP एप्लीकेशन है, कंपनी ने अपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ऐसा उसके उसके अंदर ही उनके जो है ना डेटा सर्वर्स लगे हुए हैं, उसी के अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉय है, ठीक है, फिजिकली फिजिकली मौजूद है। एप्लीकेशन उसके अंदर डिप्लॉय है। अब सपोज कर लें इस कोई पावर सप्लाई का शॉर्टेज हो जाता है, या कोई कोई भी मसला आता है आपके, वो एक सर्वर आपके अंदर कोई उसके अंदर फॉल्ट आ जाता है, तो क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन पूरी गई, क्योंकि सिस्टम वो बैठ उसी गया। के अंदर सिस्टम बैठ गया। अब हमारे चले अमेज़न की एग्जांपल देते हैं। अब अमेज़न में मिनटों में कितने ऑर्डर्स आ रहे होते हैं यूजर के। अब वो जब, जाहिर सी बात है, जब उनके एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई हुई है और वो सर्वर उड़ गया, तो फिर वो एप्लीकेशन बैठ गए, करोड़ों का उनको करोड़ों का लॉस हुआ। नुकसान हो गया। तो फिर कंपनी ने फिर क्या डिसाइड करना स्टार्ट किया कि हम अपने जो है ना सर्वर, अपनी एप्लीकेशन क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक एज्योर जो है पोर्टल, वो उनको फैसिलिटेट करता है, और वो क्लेम करता है कि अगर आप हमारा अवेलेबिलिटी सेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 99.99% आपकी एप्लीकेशन अप होगी। वो अवेलेबिलिटी सेट है क्या, हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। आपको क्या क्या पता होना चाहिए जब आप क्लाउड पे आते हैं। अब सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं हमने एक एज्योर ज्योग्राफी बनाई हुई है। ठीक है एज्योर ज्योग्राफी के अंदर हमारे पास एज्योर रीजन्स हैं। एक एज्योर ज्योग्राफी के अंदर एक या एक से ज्यादा एज्योर रीजन आई थिंक, ठीक है और एज्योर रीजन के अंदर एक या एक से ज्यादा एज्योर जोन्स होते हैं। फिर उस एज्योर जोन्स के अंदर जब आप इसको पोर्टल, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये आ रहा होता है जोन्स ओके वगैरह, जैसे जर्मनी ईस्ट है, जर्मनी वेस्ट है। फिर जोन्स के अंदर एक या एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स होते हैं हमारे हमारे पास, जो मिलके एक एज्योर जोन्स बना रहे होते हैं। ठीक है तो उसके अंदर क्या होता है फिर आप, हम बात कर रहे थे अवेलेबिलिटी सेट की। इसमें क्या होता है हमारे पास के एक एज्योर जोन्स के अंदर हमारे पास सपोज कर लें 3 डेटा सेंटर हैं। ठीक है हमने हमने अपनी एप्लीकेशन तीनों में डिप्लॉय कर दी, ठीक है तो अब तीनों का अपना अपडेट डोमेन्स होता है, अपना फॉल्ट डोमेन्स होता है। तो अगर एक के अंदर फॉल्ट आ गया तो आपकी एप्लीकेशन इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन 2 डेटा सेंटर में मजीद पड़ी है। मजीद रैक के अंदर, द फिजिकल डेटा सर्वर्स होते हैं उसके अंदर, रैक समझ ले, रैक ए बी सी है। रैक ए अगर पावर सप्लाई शॉर्टेज आ गया, रैक बी में आपकी एप्लीकेशन चल रही है, रैक बी में आ गया तो रैक सी में आपकी एप्लीकेशन चल रही है। और हर एक का अपडेट डोमेन्स भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि वेब एप्लीकेशन के अंदर
वर्जन आते हैं, पैचेज होते बिल्कुल हैं उसके, अपडेट अपडेट, तो हर एक का अपडेट अपडेट डोमेन डिफरेंट होता है। सपोज कर लें अगर आपके पास, अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर ही लगा हुआ है, आपने उसके अंदर अपडेट कोई चलाई अपने सॉफ्टवेयर पे, तो आपकी एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी उस टाइम तक जब तक वो अपडेट हो रही है। लेकिन बिल्कुल जब ऐसे आप ही। अवेलेबिलिटी साइड इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास जो है ना क्या कहते हैं, अपडेट अगर आप रैक ए में कर रहे हैं तो रैक बी और सी में आपका चल रहा है एप्लीकेशन नॉर्मल। ओके नॉर्मल चल रही है और आपको फील भी नहीं होगा। दूसरा एक इसके अंदर एक अच्छा, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट ये है वर्चुअल मशीन्स का, कि हमारे पास जो है ना हम लोग इजीली अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं एज्योर पे। अपने आपने में एक, आपने एक नाम सुना होगा VMSS, वर्चुअल मशीन स्केल्स स्केल बिल्कुल सेट। अब ये कंपनीज क्यों इस्तेमाल इस्तेमाल करती हैं, अब क्या होता है कि इसके कंपनी के अंदर आपको पता है कि एक एन टीयर एप्लीकेशन में हमारे पास क्या होता है, वेब सर्वर होता है, सही है, फिर हमारे पास बिजनेस लेयर के लिए अलग सर्वर होता है, फिर हमारे पास डेटा बेस टीयर होती है, उसके लिए हमारे पास अलग सर्वर होता है। अब हर सर्वर के अंदर सपोज कर ले हमारे पास 100 जो है ना VMs है, 100 हो चलो फिर भी सही है, हमारे पास 1000 VMs है। ठीक है। अब वो 1000 VMs आप अगर हम मैनुअली बना रहे हो तो आपके लिए अजाब हो जाएगा कि उसको मैनुअली बनाना और फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रखना, करना अलाइनमेंट वो क्या वो बिल्कुल जो है ना कांटेक्ट होके आपस में चलें। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक दिया हुआ है हमारे पास वर्चुअल मशीन स्केल सेट, उससे आप क्या कर रहे होते हैं, आपको 1000 VMs, आप कह रहे हैं कि यार मुझे 1000 VMs इन वन गो मुझे बनानी है, तो आप स्केल सेट के अंदर उसको जो है ना बता देते हैं कि 1000 VMs हर टीयर के अंदर आप बना दें, तो वो आपको हर टीयर में जो कि सेम हार्ड ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हो, जो जो कि मतलब बिल्कुल स्केल स्केल उसकी उनकी जो स्केलेबिलिटी होती है वो सेम होस्ट सेम जो है ना जैसे अगर कोई एक लिनक्स इस्तेमाल कर रहा है सारे लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं सारे विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कॉन्टेक्ट अगर आपने हर एक की कॉन्फिगरेशन करनी है तो 1000 के लिए तो आपको बहुत टाइम चाहिए मैनुअल। फिर उसके अंदर दूसरा एक अच्छा सीन ये है कि आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन सुबह 8 से लेकर शाम 6 तक सीपीयू उसका यूजेज बहुत होगा, पीक टाइम। बिल्कुल पीक पीक टाइम होता है ऑफिस का वो, तो आप इवन कि आप ये भी कर सकते हैं उसके अंदर कि आपने सपोज कर लें आपका आपने एक उसके अंदर सेटिंग कर दी कि हमारी अगर सीपीयू यूजेज 70% से इंक्रीज हो तो आपने स्केल सेट को बता दिया कि 5 VM ऐड ऐड कर दो, ठीक छह है। VM ऐड कर दो, तो आपके सीपीयू यूसेज जैसे इंक्रीज होगा तो वो VM इन ठीक काउंटर चलाता रहेगा। है। और फिर इवन आप इसी तरह स्केल डाउन भी कर सकते हैं, आपने कहा कि जब सीपीयू यूसेज 20% नीचे आ जाए इट मींस कि अब कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो आपने पांच उसको वी एम तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इससे आपकी कॉस्ट बचती है। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर आपने एज्योर पे जाना है तो मैंने अगेन इसकी इसके सर्टिफिकेशन है, आप पहले बेसिक इसका देख लें कि क्या है एज्योर कैसे है आपने, मैं जब मैं कम क्योंकि मैं एक एज्योर का क्लाउड आर्किटेक्ट नहीं हूँ, लेकिन बींग डेवलपर मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपना अपनी एप्लीकेशन विद डेटा बेस में कैसे कितने आप डिप्लॉय करूँ, एज्योर पे कैसे डिप्लॉय करूं, वहां से मैं उसको कैसे लिंक्डइन करूं, कैसे मैं उसको एक्सेस करूं, ये मुझे पता होना चाहिए। लेकिन एक एज्योर का जो क्लाउड आर्किटेक्ट है वो तो फिर बहुत डीप इनसाइड वो जो है ना काम करता है, उसके लिए आप फिर मैं रेकमेंड करूंगा स्ट्रॉन्गली अगर आपको यहाँ पे फ्यूचर अपना इसके अंदर एक्सेल इसको बहुत आगे आपने पॉलिश करना है तो आप इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की कोई सर्टिफिकेशन करें, बढ़िया। एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन ही कर लें, हमारे पास बहुत सारे AZ 900 है फंडामेंटल एज्योर, उसके बाद हमारे पास AZ 400 है, या आप कोई भी एक इसमें आप समझते हैं कि आप ये आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं आप वो करें सर्टिफिकेशन, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसके अलावा आपने एक और सवाल किया है किसका, मतलब डेवऑप्स के हवाले से कुछ बेसिक बता दें। देखें हाँ डेवऑप्स
अब डेवॉप्स क्या है, पहले हमारे पास क्या होता था, एजाइल मॉडलिंग होती थी, आप पूरा एक जो है ना प्रोजेक्ट उसके अंदर आप एजाइल चला रहे होते थे। अब जब डेवॉप्स आया, उसने वो आया ही इसलिए है कि आपने अपने पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से लेके एप्लीकेशन डेवलप से लेके एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट तक, इवन के उसके अंदर फिर आपके आईटी ऑपरेशंस भी आ जाते हैं। ये सब आपकी डेवलपमेंट टीम और आपके जो आईटी की टीम है, सब एक ऑन अ सेम पेज, वो सब इंटेग्रेट होके काम कर रहे होते हैं। ये आए इसलिए कि पूरे इस पूरे जो है ना एप्लीकेशन डिप्लॉय बिल्ड होने से डिप्लॉय तक इसको पूरा ऑटोमेट किया जाए। इसके अंदर हमारे पास जो है ना, अगर आपने इसके अंदर अपना फ्यूचर बनाना है, तो फिर आपको जो है ना ये बहुत, आपको इसके टूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे इमेजेस के लिए हम कुबरनेटीज इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं आप, उसके बाद जेंकिंस का टूल है, मुझे इन टूल्स का बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन बेसिक आपको, कंटिन्यूअस हाँ इंटीग्रेशन के लिए जी कंटिन्यूसली, हाँ बेसिक आपको ये आइडिया होना चाहिए कि डेवॉप्स की जो लाइफ साइकिल है वो किस पे कंसिस्ट कर रही है। वो सिक्स सिक्स फेजेस होते हैं, रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस कैपेबिलिटीज एंड टूल्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट द एप्लीकेशन, ऑन द अदर हैंड कैपेबिलिटीज एंड टूल्स नीडेड फॉर ऑपरेशन। तो ये दोनों आपको जो है ना पता होना चाहिए, जी और उसके अंदर थ्रू आउट द फेज ईच टीम्स कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली, और वो सेम पेज पे होते हैं, ठीक है और वो जो है ना बहुत इंटीग्रेट होके काम कर रहे होते हैं। अब डेवॉप्स के जो लाइफ साइकिल है, अगेन ये इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर हम जो है ना प्लानिंग कर रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन इंटीग्रेट टेस्टिंग कर रहे होते हैं। इंटीग्रेशन करके उसको एग्जैक्टली, CI/CD की जो पाइप लाइन होती है वो भी हम देखते हैं। अब ये है क्या, अब ये है कि भाई हमारे पास जो है ना डेवलपर होते हैं, डिफरेंट एक एप्लीकेशन पे डिफरेंट डेवलपर काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं बैकएंड पे काम कर रहा हूँ, कोई फ्रंट उस पे एंड भी काम कर रहा होगा क्लाइंट एंड पे। क्लाइंट एंड अब मैंने अपना एक जो है ना API लिखी, सही है, अब मैंने वो कोड कमिट कर दिया अपने शेयर्ड रिमोट रिपोजिटरी पे। अब सेम उसने किया जो मेरे पास क्लाइंट एंड पे, उसने भी नई UI पे काम करा, नई API पे उसने भी कोड कमिट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हर कमिट का एक अपना वर्क फ्लो होता है, जो कि CI कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कर रहा होता है हमारे कोड को। उसका फायदा हमें क्या होता है, वो ये होता है कि भाई आपका कंटिन्यूअस कोड जो है ना इंटेग्रेट हो रहा होता है। सबसे पहले हम उसको जो है ना बता देते हैं कि आपने कौन कौन सी फाइलें बिल्ड करनी है इस कोड के लिए, डिपेंडेंसी जो है ना पैकेजेस इसके अंदर कौन कौन से हैं, वो सब ऑटोमेट होके वो खुद हो रहा होता है, जो कि हमें कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कर रहा होता है। इन दी एंड वो, जैसे मैं बैकएंड डेवलपर हूँ, मैंने कमिट करके जब किया पुश, तो वो मेरा गिटहब एक्शंस पे मेरा वो स्टार्ट हो गया, मेरा जो वर्क फ्लो मैंने डिफाइन किया हुआ था। तो उसी वक्त वो मुझे बता देता है कि आपकी बिल्ड सक्सेस हो गई है, मर्ज हो गई है, या आपकी बिल्ड हो गई है फेल हो गई। तो जब बिल्ड फेल होती है, तो इवन वो आपको ये भी जो है ना बताता है कि आपका, जैसे सपोज कर लें यूनिट टेस्टिंग आपके फेल हो गए हैं, तो डेवलपर को पता चल जाता है कि ये इस स्टेज पे इंटेग्रेट नहीं होगा, मुझे जी इसको पहले फिक्स करना होगा उसके बाद। इससे अगर डेवऑप्स ना होता, CI/CD ना होता, तो पहले क्या हो रहा होता था, बैकएंड डेवलपर काम किए जा रहे हैं, और जो हमारे पास क्लाइंट एंड वाले बैकएंड में भी तीन चार जो है ना लोग वो काम कर रहे हैं। आफ्टर 6 मंथ जब प्रोजेक्ट ग्रो हो गया बिल्कुल, अब जब वो मर्ज कर रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आ गए, और वो जो है ना कोई वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा, और वो जो है ना बहुत एक ना नाइट मेयर हो जाता था। तो ये CI/CD ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कर रहा होता है। तो ये इसीलिए जो है ना, अब हर कंपनी डिमांड करती है कि भाई अब आपको इसके ऊपर काम आना चाहिए, ये बहुत इफेक्टिव है बहुत ज्यादा, और ये डेवॉप्स वाले इसके ऊपर जो है ना काफी काम करते हैं, इवन कि हम भी काम करते हैं, क्योंकि ये रेस्पॉन्स टू कंटिन्यूस फीडबैक भी है। बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिस टू बिल्ड टेस्ट एंड रिलीज योर कोड इन स्मॉल स्टेप लाइक जी इंटेग्रेशन। अब ये क्या है कि वही अगेन, मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने कोड
कमिट किया शेयर्ड रिमोट रेपो में, अब वो कोड बैकएंड फ्रंट एंड दोनों कर रहे हैं, एक मैंने फ्लो बनाया हुआ है होगा उसमें, अब ये डिफाइन होगा कि जब कोड पुश होगा तो कैसे इंटेग्रेट होगा या मर्ज करना है, वो सारी जो आपकी फाइल्स होंगी बिल्ड करता है, डिपेंडेंट लाइब्रेरीज बिल्ड करता है, फिर यूनिट टेस्ट करता है, उसके बाद वो आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो उसी वक्त आपको जो है ना बता देता है या इंटेग्रेट होगा या नहीं होगा, तो ठीक बहुत इफेक्टिव है। तो डेवॉप्स बिल्कुल इसके लिए जो है ना, अब तो टूलिंग भी है जैसे कि मैंने बताया जेंकिंस है, वो फिर जो डेवलपर्स होते हैं जो उसके डेवॉप्स डेवॉप्स इंजीनियर होते हैं मजीद वो उसके इसमें। ऊपर काम ठीक कर रहे होते हैं काफी डीप में। अगेन मैं भी कहूंगा कि इसकी सर्टिफिकेशन लाजमी करें, जो हाँ एसक्यूएल वाला बंदा है या जो क्लाउड वाला बंदा है या जो डेवॉप्स वाला बंदा है, वो सर्टिफिकेशन लाजमी करें, क्योंकि अब अगेन जो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सवाल, स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि यार जॉब नहीं होती है, ये आप सवाल अगर आपका है तो आगे कर लें, कि वो इसी से लिंक कर रहे हैं। यही सवाल, ये एक हम क्लोज भी इसी सवाल से करेंगे। क्वेश्चन यही ठीक है है कि जॉब के इश्यूज हैं, जर्मन के बगैर जॉब नहीं होती या जॉब जी, हमें जॉब नहीं मिलती। अफक ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इसको बड़ा रेज होता है, तो बेहतर है आप जवाब दे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं अब हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोग कहते हैं मैंने उससे सुना मैंने इससे सुना, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ बाकी, और मैं इसी उसमें पॉडकास्ट में मैं ये बताऊंगा कि ताहिर भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है, ताहिर भाई मुझसे बहुत जो है ना इस बारे में बहुत अच्छा जो है ना जानते हैं, और मैं इन्हीं का एक्सपीरियंस, और मेरा भी वही है सेम, बिल्कुल हम सेम पेज पे ही हैं। अगर एग्जैक्टली। मेरा अगर आप अगर आपके पास कुछ और ऐड आई एम श्योर के होगा तो आप ऐड करें ताकि नहीं जो है अफाक, ना मेरा फिर ख्याल है लोगों। जितना बिल्कुल कोरोना टाइम में आप गुजरे हो उस वक्त से, उस पे मैं नहीं गुजरा। जब मैंने बिल्कुल जॉब सर्च किया बिल्कुल था मार्केट बड़ी थी। आप बताओ बेहतर है। बिल्कुल। तो लोग यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं यार जॉब नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोरोना के मेरी अल्लाह का शुक्र है जॉब हुई है कोरोना के टाइम पे, स्टिल कोरोना चल रहा है स्टिल जॉब हुई, स्टूडेंट एक दफा फिर स्टूडेंट पे आया। अब होता क्या है, अब मैं भी ये सोचता था जब आप थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे ना यहाँ पे तो आपका माइंड सेट चेंज होगा, फिर आप कहेंगे कि यार नहीं यार जॉब हो जाती है। अब सीन क्या होता है, सीन ये होता है कि यार, और ये मैंने एक एचआर के अभी हमारे हैं मेरे बहुत अच्छे हैं दोस्त, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं यार हम तीन चीजें देख रहे होते हैं कि लड़का जर्मनी में जो कैंडिडेट है सबसे जरूरी जर्मनी में है ठीक बात है सही है, क्या उसके पास जर्मन डिग्री है, मेरे पास नहीं थी सही है आपके पास नहीं थी। आपके पास जर्मनी, तो क्या उसके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स हैं, जो कि अगर आपके पास वो भी नहीं है तो चलो ठीक है। फिर वो आखिरी चीज कहते हैं कि यार क्या इसके पास जर्मन एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास फिर वो भी नहीं है तो फिर आपको ये होता है कि फिर जो मैंने हर्डल करी है वही फिर आप फिर हर्डल वही फिर जो है ना आपके सामने आ रहा होता है। फिर अगेन उनके लिए मैं यही कहूंगा कि जिंक हमारा बेहतरीन है, लिंक्डइन बड़ा बेहतरीन है, उसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनाएं, बहुत स्ट्रांग आपकी जो है ना प्रोफाइल हो और आपका समरी और आप बहुत जबरदस्त हो, फिर आप उसके अंदर अपने रिलेवेंट जो आपके रिक्रूटर्स हैं जर्मनी के अंदर और वो कंपनीज है जैसे अल्ट्रान हो गई, आपके पास आल्टन मेरे ख्याल से एक आल्टन है और है, बिल्कुल, फिर फर्शाओ हेज। जेड एफ फरशाओ भी है, जेड एफ जी एक है ग्रुप बहुत अच्छा है, आप टीएनएस से, अगर मैं इसी प्रोग्राम में बताता हूँ अगर कोई है बंदा जावा का टीएनएस का एक है प्रोजेक्ट जो मेरे पास उन्होंने मुझे कहा है कि आप हमें रेफर करें, जो ये रिक्रूटर्स वो होते हैं टीएनएस हो गया ये बड़े वो होते हैं, इनको आप ऐड करें और ये आपकी इनको आप ऐड करें या आपकी प्रोफाइल देखेंगे आप इनसे डायरेक्ट जो है ना बात भी करें, क्योंकि मेरी पहली जॉब जब हुई थी तो मेरी एक जिंक के रिक्रूटर के थ्रू ही अच्छा हुई थी, ओके ठीक तो मैं यही रेकमेंड करूंगा लिंक्ड इन हो जिंक हो आप उनको डायरेक्ट अप्रोच करें, खुल आपको बिल्कुल जो है ना इसमें एक्टिव हो जाएं, बिल्कुल ठीक है। अप्रोच अप्रोच करें आप उनको, आप उनसे जो है ना बात करें तो आपको उन्हीं से काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, आप उनको अपनी जब सीवी दिखाएंगे तो इवन के कुछ रिक्रूटर बहुत अच्छे होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपके सीवी के अंदर ये ये चीज मिसिंग है या आपके सीवी के अंदर इस जो है ना जगह पे ये लेक कर रही है तो आप इसको जो है ना स्ट्रॉन्ग करें इस जो है ना एरिया को, और कुछ आपको रिक्रूटर मोस्टली आपको ये कहते हैं कि जर्मन हमें चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं लेकिन मैं ये कहूंगा कि
अच्छा बेहतरीन यही है कि आप जर्मन स्किल्स तक काम करें, लेकिन हम मैं जानता हूँ, मैं खुद हम ना बड़े पेशेंट नहीं होते, हम जो है ना कहते हैं कि यार फटाफट बस जो है ना जॉब लें। फिर उसके लिए यही है कि आप रोजाना अपने जो है ना बिला नागा अपने दो ज्यादा नहीं बहुत अच्छी तरह अपने 2 से 3 कंपनीज में रोज अप्लाई करें, क्योंकि बहुत ये होता है कि स्टूडेंट स्टार्ट के अंदर बड़ा मोटिवेट होता है, तो वो कहता है कि यार बस आज वो 20-30 कंपनियों में एक साथ अप्लाई करके बैठ जाता है। नहीं, मुझे इवन आज तक मैंने जो पिछली कंपनी में अप्लाई किया, मुझे आज तक हालांकि जॉब मुझे रिजेक्शन आ रहे होते हैं अभी तक। तो आपने रिजेक्शन से पहले तो घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना भी। नहीं है, बिल्कुल ठीक है। रिजेक्शन तो आपकी जिंदगी का हिस्सा यहाँ पे आप बना लें, क्योंकि पाकिस्तान जबान नहीं है हमारी, पाकिस्तान ये, क्योंकि वहां पर तो आप बहुत, अगर तीन तीन कंपनीज में इंटरव्यू दें एक आपको रख देती है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, पहला तो ये है। और फिर आपने अपनी किस्मत और अपने अच्छे टाइम का वेट करना होता है, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ अप्लाई करते रहना है, बिल्कुल क्योंकि रीजन वही यही है कि आप रिजेक्ट कब होंगे, जब आप अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई करेंगे नहीं तो रिजेक्ट या एक्सेप्ट होने का सवाल ही नहीं सवाल ही होता। पैदा नहीं होता। तो फिर बस यही एक अच्छी चीज है कि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं रिजेक्ट ही हुआ, मैं 5 महीने लगातार रिजेक्ट हुआ हूँ, और मैं जब से कर रहा था, मतलब मैं, क्योंकि अब मैं अपने आप को तो खुशकिस्मत इसलिए कहता हूँ कि 5 महीने कम है, मैंने देखा कि स्टूडेंट यहाँ पे एक एक साल दो दो साल तक रिजेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन इन दी एंड जॉब होती है। और एक बार जो आपकी जॉब होती है ना, फिर आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, फिर आप कहते हो यार जर्मन अगर नहीं भी आती ना, तभी लेकिन तब भी, क्योंकि आपका यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना, जर्मन कंपनी का एक्सपीरियंस है, वो मैं कहता हूँ वो आपको फिर आगे लेके जाएगा, बिल्कुल वही है। बाकी पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है आपका, बहुत अच्छी बात है, आपको उसे काम आता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि अगर करता होता तो शायद मैं स्टार्ट में जॉब कर रहा होता, लेकिन स्टार्ट में बड़ी हर्डल्स होती हैं। तो एक बार आपका जॉब हो गई किसी कंपनी में, आपकी अच्छी किस्मत हो गई एक, तो फिर ये है कि फिर आपका जो है ना बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो जाएगा जर्मन से। आप कहेंगे कि यार जर्मन, हाँ मैं मतलब इनकरेज करूंगा कि भाई आप जर्मन करें, मैं खुद, अब ताहिर भाई भी मुझे यही कह रहे होते हैं कि भाई जर्मन करें। इसके अलावा क्योंकि इवन अगेन अगर आपको अच्छे उस पे पोजीशन पे जाना है, क्योंकि हमने सारी जिंदगी डेवलपर तो रहना नहीं है, मैनेजमेंट लेवल पे अगर आपको जाना है, तो इवन मैं खुद अभी सीख रहा हूँ A2, मैं हो गया बड़ा मुश्किल से, लेकिन आपने अगेन जर्मन सीखें, बिल्कुल सीखें, लेकिन एक बार जब आपकी जॉब हो गई तो फिर आपका, हम ये जो है ना माइंडसेट के जर्मन के बगैर जॉब नहीं होती, ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगेन जो हमारे बड़े एरिया, मेरी जो दोनों जॉब्स हुई हैं, इवन स्टूडेंट मेरी, पहले मैं था स्टुटगार्ट में था, वो भी शोआर्ज़ IT, उसमें भी इंग्लिश था, बहुत फिर बड़ा मैं कंपनी एक और कंपनी फ्रैंकफर्ट में थी, वहां पे स्टूडेंट जॉब कर रहा था डेवलपर की, वो भी इंग्लिश में थे, हालांकि उनकी उंटर नेमन श्प्राखे जो थी वो डॉइश थी, लेकिन हमारी टीम में इंग्लिश चल रही थी। वो बड़ा मल्टी, देखें कंपनीज के अंदर क्या होता है, बड़ा मल्टी नेशनल सा इन्वायरमेंट होता है, हर हर कंट्री के लोग होते हैं, तो इंग्लिश हर एक को आती होती है उसके अंदर, वो कोई इतना कम्युनिकेशन का इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। अब मैं कॉन्स्टांस दोबारा बाडेन वोटन वर्क एरिया वहां पे कंपनी है मैं, और उसमें आया हूँ, तो उसमें भी अब हमारी जो टीम उंटर नेमश पर आके अगेन डॉयच है, लेकिन टीम के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो इंग्लिश में। तो अगेन देखें वो मैटर करता है, लेकिन लेकिन आपकी जब एक बार स्टार्ट होगी ना, तो आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होगा कि यार नहीं बिल्कुल जॉब्स तो हैं, बिल्कुल और कर भी, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला एक हूँ जो ये कह रहा हूँ। अगर आप जो स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूँ कि हाइलब्रॉन हॉक्सले हाइलब्रॉन के स्टूडेंट्स हैं कुछ, वो स्टार्ट के वो के अंदर उनको उनको जो है ना हर्डल्स हुई है, लेकिन आज वो जॉब कर रहे हैं और प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि यार डॉइश के बगैर जॉब हो जाती है। बिल्कुल लेकिन अगेन फिर मैं दोबारा कहूंगा कि आपको ईमानदारी के साथ अप्लाई करते रहना है, करते करते रहना रहना है, चाहिए। करते रहना है, जब तक आपकी पहली आप पहली जॉब पे लैंड कर गए जिस दिन, बस और आपने वहां पे जॉब कर ली, फिर आपके लिए आसान बिल्कुल है, फिर इंशाल्लाह आपकी जो है ना जॉब होगी, जरूर होगी, और आप एक अच्छे उस पे होंगे। अफाक, इसके ऊपर हम एक अलग से पॉडकास्ट भी करेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी चीज जो जर्मनी में ना वो मेंटोरशिप होती है। लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी सीवी जिस तरह आपने जिक्र किया, कवर लेटर, या जिस तरह आपने जिंग और लिंक्डइन के ऊपर रिक्रूटर्स को अप्रोच किया,
उनको आपने अपनी प्रोफाइल कंटिन्यूसली सेंड की और आप एक टाइम में जॉब पोर्टल से अप्लाई भी कर रहे थे और रिक्रूटर्स को भी अप्रोच कर रहे थे, तो आपने इंटेंसिव तौर पे अप्लाई किया। हमारे यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम ये होती है फाक कि उनको तरीका नहीं पता होता, उनको कोई मेंटोरशिप वगैरह चाहिए होती है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है फाक आपके साथ मिलकर मैं फ्यूचर में एक और सेशन भी करूंगा जो कि प्योर इस चीज के ऊपर होगा कि जर्मनी में आपने किन किन तरीकों से जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तीसरा आफाक आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस इस पे ऐड कर दूं। मुझे पहली बिल्कुल इंटर्नशिप मिलने में जब मैंने अपना कोर्स मुकम्मल किया तो मेरी इंटर्नशिप मैंडेटरी थी। आफाक मुझे वो इंटर्नशिप ढूंढने के लिए तकरीबन 60 के करीब एप्लीकेशन में मेरी रिजेक्शन आई थी, उसके बाद मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई। जब मैं एक बार जर्मन इंडस्ट्री में एंटर हो गया एज एन इंटर्नी, फिर मैंने अपना थीसिस भी किया, फिर मैंने अपनी फर्स्ट जॉब भी की और अब मैं तकरीबन 1.5 साल से अलहमदुल्ला अपनी दूसरी जॉब कर रहा हूँ। जिस तरह अफाक आपने जिक्र माशाल्लाह किया, अलहमदुल्ला बिल्कुल अफाक, इसमें जिस तरह आपने जिक्र किया आप तो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस सिटी में आए थे वहां पर यही ट्रेंड था कि जर्मन के बगैर जॉब नहीं होती या फ्रेशर्स की जॉब नहीं होती। तो अफाक इस हवाले से भी बिल्कुल हम लोग कोई ना कोई सेशन करेंगे। और जर्मनी में कंपनीज लाखों की तादाद में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर आप डेली भी 3 एप्लीकेशंस करते हैं अफाक के फार्मूले के मुताबिक, तो 90 एप्लीकेशंस आपकी महीने में होंगी और लगभग आपकी चले 1000 एप्लीकेशन आपकी हम सपोज कर लेते हैं 1 साल में होगी, तभी भी आप लाखों कंपनीज है जर्मनी में और आप फिर भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। अफाक मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इन दी एंड मैं एक चीज ऐड ऐड करता हूँ, क्योंकि मैंने ये यहाँ पर बड़ी फेस की है। देखें, अगर आपको शौक है प्रोफेशनल जॉब करने का और आपको और आप बड़े आप डेडिकेटेड हैं, तो कोई अगर आपको कहता है ना कि मैकडोनल्ड में स्टूडेंट जॉब कर लो या इस होटल में कर लो, आप बेशक कर लो, लेकिन आपका गोल वो नहीं होना होना चाहिए। आपने अपने गोल के साथ स्टिक रहना है। सही है, पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन आपने जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ, मतलब मैंने फील किया है कि वो जो है ना घबरा रहे होते हैं प्रोफेशनल जॉब के, यार हमारे पास स्किल्स ही नहीं है, तो आपको इसके ऊपर काम करना होगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा फ्यूचर जो है ना बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन आपने अपना गोल उसको नहीं बनाना है कि यार बिल्कुल मैं अमेज़न के अंदर स्टूडेंट जॉब कर लूँ, मैं किसी पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में कर लूँ, पार्ट टाइम होटल में कर लूँ, कर लें आप फॉर द टाइम बींग, हर एक की नीड होती है। मैं जब आया था, मैंने भी एक छोटी सी कंपनी थी जो कि कपड़े वपड़े करती थी, कोई कोई तय करने वाली छोटी सी कंपनी थी, मैंने मैंने भी किया है 2-3 महीने, लेकिन आपने गोल उसको नहीं बनाना, ठीक। आपने अपना गोल जो है ना प्रोफेशनल जॉब ही को बनाना है, और आपने उसी के ऊपर काम करना है। अगर आप वो काम डिग्री कंप्लीट होने के बाद कर रहे हैं तब भी ठीक है, डिग्री कंप्लीट होने से पहले कर रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन इन दी एंड काम उसी पे बिल्कुल करना है। क्योंकि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैंने काफी देखा है कि स्टूडेंट अपना जो इस तरफ जाते हैं, फिर वो फिर दोबारा वो आ ही नहीं नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर मेरे एक अपना खुद के दोस्त हैं जो कि डेवलपर थे पाकिस्तान में, यहाँ आके वो कम्प्लीटली होटलिंग में और इनमें जो है ना जॉब। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ, बिल्कुल अगर आपके पास, अगर आपने काम किया हुआ है, स्किल्स हैं, तो आप इसके साथ स्टिक रहें, कुछ भी करें, इंशाल्लाह देखें जॉब होगी। जॉब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई, सबकी अच्छा टाइम आएगा, जॉब जो है ना होती है, लेकिन आपने इसी को इसी के इसी गोल के साथ आपने स्टिक रहना है। बहुत बहुत तो शुक्रिया फाग, आपने बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। मैं आपके साथ एक अलग से सेशन भी करूंगा जर्मनी में जॉब सर्च के हवाले से। बिल्कुल फाग बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया आज आने के लिए, आपने बहुत इंफॉर्मेशन दी हमारे सुनने वालों को। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है स्पेसिफिक तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दें, अफाक को मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा, उसका रिप्लाई भी कर देंगे। दोस्तों इसके साथ ही इंशाल्लाह। हमारा आज का सेशन अपने खत्म को पहुंचा। आफाक आपका दोबारा एक मरतबा बहुत शुक्रिया। तो अगले सेशन तक के लिए दोस्तों हमें शुक्रिया, इजाजत थैंक यू आप। दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।